हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि नीट एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन होगा क्या नहीं होगा। ठीक, तो नीट एग्ज़ाम जो 1 अगस्त को फिक्स की गई है डेट, ठीक है, वो एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो NTA ने सबसे पहला नोटिस निकाला था 2021 नीट एग्ज़ाम को लेके। पब्लिक नोटिस 12 मार्च 2021 को निकाला था कि नीट एग्ज़ाम कब कंडक्ट करा देना। नीट एग्ज़ाम 1 अगस्त को कंडक्ट करवाया जाएगा, संडे के दिन 2021 को। ठीक है, ये एग्ज़ाम ऑफिशियल, मतलब ये डेट निकाली गई थी NTA की तरफ से। ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी भी यही अवेलेबल है और हर जगह अभी भी यही डेट चल रही है। ठीक है, 11 लैंग्वेज में एग्ज़ाम होना था, किस में पेन और पेपर के मोड में होना था। ठीक है, ये अभी भी यही, मतलब हर जगह कहीं भी देख लो, जितनी वेबसाइट दे रखी है ना, हर जगह जो NTA मतलब ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी, ठीक है, अदर वेबसाइट की बात नहीं करूँगा। ठीक है, जो NTA की जो ऑफिशियल वेबसाइट है अपनी, ठीक है, ये 3 वेबसाइट जो दे रखा है इन्होंने, 2-3 वेबसाइट दे रखा है, यहाँ हर जगह 1 अगस्त का ही एग्ज़ाम दे रखा है। 1 अगस्त जो फिक्स की गई डेट 11 लैंग्वेज में। ठीक है, लेकिन अभी ये देखो, अभी तो इसीलिए पोस्टपोन की न्यूज़ इसलिए आ रही है कि अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं निकले हैं नीट एग्ज़ाम के। ठीक है, तो इसलिए ये दिमाग में आ जाता है कि नीट 1 अगस्त को होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगर होगा 1 अगस्त को तो अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म क्यों नहीं आया, अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म क्यों नहीं आया। ठीक है, देखो मेन बात देखो कि बोर्ड एग्ज़ाम इस बार 12th के नहीं हुए। ठीक है, नहीं हुए, कैंसिल कर दिए गए। ठीक है, तो बोर्ड का अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया था, अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया। ठीक है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, अब कब आएगा बोर्ड का रिजल्ट? ये 20 जुलाई के आसपास ही आएगा रिजल्ट इसका। किसका? बोर्ड का, 12th बोर्ड का रिजल्ट आएगा 20 जुलाई के आसपास। अब ये 1 अगस्त को एग्ज़ाम, ठीक है, अब 20 जुलाई को बोर्ड का रिजल्ट, लिए इम्पॉसिबल ही बार इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, अब खुद NTA ने कह रखा है मतलब 1 महीने का टाइम मिलेगा ये किसको, अगर 20 जुलाई को अगर ये मिलता है हमें, अगर बोर्ड का वो रिजल्ट डिक्लेयर होता है, ठीक है, तो ये 1 अगस्त को एग्ज़ाम नहीं होगा फाइनली। ठीक है, क्योंकि अभी तक देखो जून लास्ट चल रहा है, ठीक है, जून ख़त्म होने को आ रहा है। ठीक है, तो ये अभी जून ख़त्म होने को आ रहा है, अभी तक कोई एप्लीकेशन का अता पता नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट पे NTA के ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई कुछ अपडेट अभी तक कुछ नहीं है। ठीक है, वही पुराना अपडेट मार्च वाला, 12 मार्च वाला, यही जो PDF में जो आपको दिखा रहा हूँ, यही अपडेट अभी वहीं पे आया। वहाँ पे 2020 का एप्लीकेशन फॉर्म वाला जो फॉर्मेट है वही दिखा रहा है अभी NTA के वेबसाइट पे। ठीक है, तो कोई अपडेट नहीं है, तो दिमाग में आ ही जाता है, तो इसलिए हर जगह ये चल रहा है कि ये नीट एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा कि नहीं होगा। तो मेरा जो मानना है, ठीक है, मेरा जो मानना है, एग्ज़ाम पोस्टपोन तो होगा। ठीक है, अब एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा तो कब होगा, ये 1st वीक ऑफ सितंबर में होने के चांसेस है। ठीक है, 1st वीक ऑफ सितंबर में होने का चांस है इसका। ठीक है, 1st वीक ऑफ सितंबर में ही होगा, क्योंकि देखो एग्ज़ाम अगर NTA नीट का एग्ज़ाम का अगर एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है NTA जो निकालेगा, तो देखो 1 मंथ कम से एटलीस्ट उसको, अगर 1 मंथ नहीं तो 20 से 25 डेज तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का देगा। ठीक है, फिलअप करने का देगा वो, 20 से 25 डेज देगा, 20 से 25 डे फॉर्म फिलअप का तो देगा वो, डेज देगा किसके लिए, फॉर्म फिलअप के लिए, फॉर्म फिलअप के लिए देगा। ठीक है, फॉर्म फिलअप के लिए देगा, फिल करने के लिए देगा वो। ठीक है, इतना दिन तो देगा ही वो, इसके बाद उसको 5 डेज कम से कम एटलीस्ट 5 डेज करेक्शन कर, 5 डेज तो करेक्शन करने के लिए भी लगेगा ना। ठीक है, 5 डेज जो फॉर्म में जो मिस्टेक हो जाती है किसी से कभी कभार, तो करेक्शन करने के लिए भी देगा 5 डेज एटलीस्ट। ठीक है, इसके बाद NTA खुद उस पर, मतलब जितने बच्चों ने भी फॉर्म भरा है, ठीक है, फॉर्म तो लाखों में जाते हैं, 10 लाख से ऊपर ही जाते हैं, पिछले साल 16 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, 16 लाख समथिंग कुछ थे, ठीक है, तो लाखों में ही जाते हैं, तो इतने सारे जो बच्चे फॉर्म भरेंगे, तो उनका जो जैसे एडमिट कार्ड तैयार करना है हमें, सेंटर वाइज एडमिट कार्ड तैयार करना है। अब सेंटर जो कोरोना का टाइम चल रहा है, तो सेंटर तो पास ही देंगे, ज़्यादा तो दूर तो देंगे नहीं, तो सबका जो सेंटर जो तय करेंगे एडमिट कार्ड तैयार करेंगे, उसके लिए भी उनको टाइम चाहिए। ठीक है, अब लाखों बच्चे हैं तो कम से कम उनको चाहिए कम से कम 10 डेज टू 15 डेज या 20 डेज मान लेते हैं, 20 डेज चाहिए उनको, तो ये तो 1.5 महीने ऐसे ही हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर जुलाई में फॉर्म आ भी जाता है बोर्ड रिजल्ट के बाद, या 1st वीक ऑफ जुलाई में आ जाता है, फिर भी नीट एग्ज़ाम 1 अगस्त को होने का कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है। ये कब जाएगा? ये फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में जाएगा, सितंबर में जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, इतना तो मान, लेकिन
तुम लोगों को ना ध्यान नहीं देना है इसके तरफ, इस न्यूज़ की तरफ ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तुम्हें अपने पढ़ाई की तरफ, तुम्हारे लिए तो 1 मंथ का टाइम और मिलेगा, तुम्हारे लिए और अच्छा है, ठीक है। तो और अच्छे से क्या रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो इतना कर लेना, ठीक है। हाँ देखो, एनटीए का सारा जो पेपर होता है ना, जो एनसीईआरटी से ही आता है, सारा जो पेपर जो है ना एनसीईआरटी से ही आता है, खासतौर से बायो, ठीक है। तो आ भी गया तो मतलब अब जैसे 90 क्वेश्चन बायो में हो गए, तो 5 क्वेश्चन बाहर से आ गए, तो कम से कम 85 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से आए ना। तो इस पे ध्यान देना है, मेन बायो होता है, फिर केमिस्ट्री के भी इनऑर्गेनिक तो बायो कर लो, ऑर्गेनिक भी बायो कर लो, ठीक है। बाय ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी एनसीईआरटी कर लो, सॉरी मिस्टेक हुई मेरे से, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक्स भी एनसीईआरटी कर लो केमिस्ट्री का, ठीक है। और फिजिक्स के लिए तो फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है। जितना हाँ मेनली एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे ना, मेनली एनटीए के ऑफिशियल साइट पे जो मॉक टेस्ट दे रखे ना वो कर सकते हो। थोड़ा लेवल अप जरूर है उसका, लेवल अप जरूर है, ठीक है। उतना हार्ड पेपर नहीं आता है नीट का, फिर लेकिन फिर भी कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। हम जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा हमारे लिए रहेगा, ठीक है। तो कर सकते हो। हाँ नीट पोस्टपोन के न्यूज़ पे तुम्हें नहीं जाना है, ठीक है। जाओगे दिमाग भटाओगे भटकाओगे, इच्छा हर जगह तुम यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे कहीं पे भी न्यूज़ देखोगे वहाँ जाके देखोगे, तुम्हारा दिमाग माइंड डाइवर्ट होगा पढ़ाई से, ठीक है, बढ़ नहीं पाओगे तुम, मेनली बात, ठीक है। तो इसलिए देखो नहीं, तुम यही मान के अभी भी चलो, ठीक है। अभी क्योंकि गवर्नमेंट का ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, ठीक है, एनटीए का, तो तुम अभी मान के चलो क्योंकि तुम्हारा एग्ज़ाम 1 अगस्त को ही है, तो तुम्हारा जो परफॉर्मेंस है ना, यानी कि तैयारी तुम्हारी और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। 1 मंथ का और टाइम मिल जाएगा तो रिविज़न और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मान के चलो कि 1 अगस्त को ही तुम्हारा एग्ज़ाम है, उस हिसाब से तैयारी करोगे, ठीक है, ठीक है। तो इतना अभी बाहर की न्यूज़ पे मत जाना, ठीक है, इतनी ही देख लेना, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, और कोई न्यू अपडेट आता है तो मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू एंड गुड बाय, एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।